everyone, a very warm welcome to Byju's exam prep and a very very warm welcome to our session. So aaj ke session mein we are going to do ancient India, some of the most important questions jo ki examination mein aa sakte hain. To jaldi jaldi join in kar lijiye for one of the most important mega session. So I think most of you have joined. So Reshma, Pavana, Ruhail, Sandhya, then we have Ma'am Jaiswal, Mithun, very very hello and good afternoon. Pushpa, hello and welcome. So everyone, firstly, how are you doing? I hope you all are doing really really great. The examination ka real sense mein jo countdown hai wo shuru ho chuka hai, and I hope you all are studying very very properly for the examination. Sachin, Rachna, Pushpa, Sheetal, Arya, very very good afternoon, hello everyone. Okay, so जल्दी जल्दी join in कर लीजिए आज का session and then we are going to start with our class. So before we start the class, everyone, quick reminders hai for every one of you. So do join the session जल्दी जल्दी so that we can go ahead. चलिए. So Rachna, classy fashion, hello and welcome. Ayush, Vikas, good afternoon. Rukesh, good afternoon. Rahul, good afternoon. Okay. So सबसे पहले everyone, if you haven't joined our Telegram channel till now, तो please हमारा Byju's exam prep का Telegram channel जरूर join कर लीजिएगा, which is history for UGC net, ठीक है? इसमें जितने भी paper one, paper two के sessions होते हैं, जो भी updates होते हैं, we keep on sending here. तो please इसको join करना ना भूले. Apart from that, we have free classes for everyone on the app. तो मेरे classes app पे होते हैं 11 बजे on Mondays और मेरे classes YouTube पे होते हैं 3 p.m. Thursdays and Friday. So please do not forget to join the app session and the YouTube session Monday को और YouTube sessions Thursdays and Fridays को. So please इसको note कर लीजिए so that आप फटाफट exam के पहले जो हम sessions करने वाले हैं, you do not miss any of these sessions. ठीक है? चलो. पाथु, नेहा, भारत, राहुल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलो अब मूविंग फॉरवर्ड. सबसे पहले लास्ट क्लास मैंने आपसे पूछा था एक होमवर्क क्वेश्चन, एंड इन दिस होमवर्क क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हमने, बहुत सारे लोगों ने हमारे होमवर्क क्वेश्चन का सही जवाब दिया है. सो वी आस्क्ड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, मैंने आपको पूछा था रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर एंड कौन सी न्यूज़पेपर किसने शुरू की थी. सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ आंसर्स, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में शर्मिष्ठा, स्वाति, राहुल, आर3 मोटिवेशनल, पुष्पा, देन अगेन वी हैव पुष्पा, देन शालिनी, देन वी हैव मतांगिनी, आकाश, भास्कर एंड अर्जुन. सो यू ऑल हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्टली एंड राइट स्पॉट ऑन. तो मैंने आपको बुक्स एंड जर्नल से क्वेश्चन दिया था, सो प्लीज मेक श्योर कि बुक्स एंड जर्नल्स आप जनरली भी एग्जामिनेशन के लिए गो थ्रू कर लीजिएगा, स्पेसिफिकली एज दिस टाइम पीरियड व्हेन यू नो कि वेरी प्रॉपर काउंटडाउन शुरू हो चुका है. चलो ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड इन. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. इसके पहले वी हैव अ मेगा वर्कशॉप. तो हमारी मेगा वर्कशॉप है बाय निशान कपूर सर, एंड निशान कपूर सर आपको स्पेसिफिकली बताने वाले हैं वर्कशॉप में कि हाउ कैन यू बी द टॉप 1% इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. तो क्या स्ट्रैटेजी है, ही इज गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. और ये वर्कशॉप होने वाला है 3 फरवरी को 6 बजे. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द मेगा वर्कशॉप. जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि अगर पहले से रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट. ठीक है? So please register for this mega workshop as soon as possible. Link हमारे chat section में already pinned है, तो एक बार please उसको देख लीजिएगा. Moving forward, so February का महीना चालू हो चुका है and the greatest countdown for the examination is on. तो January में हमने ancient India को revise किया था, तो हमने sources कर लिया था, prehistory कर लिया था. So this is the coming sessions in the app. तो 11 am को स्पेसिफिकली मंडे को हमारे ऐप के क्लासेस होते हैं. तो यहाँ पे हम एंशिएंट इंडिया रिवाइज कर रहे हैं प्लस मॉडर्न इंडिया रिवाइज कर रहे हैं. सो 6 फरवरी को हम रिवीजन सेशन करने वाले हैं महाजनपद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. 13 फरवरी को वी आर गोइंग टू डू द सेशन ऑन इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर, इसमें हम कॉइन्स भी एड कर देंगे. 20 फरवरी को हम सेशन करने वाले मौर्यास, इंडो ग्रीक्स, कुशानास, सतवानास, मतलब मौर्यास एंड हमारा जो पोस्ट मौर्यन सेक्शन हो गया है ना. 27 फरवरी को आई एम गोइंग टू डू अ सेशन ऑन नेशनल मूवमेंट एंड जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनका ओवरऑल मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूशन है, वी आर गोइंग टू कवर दैट. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दीज सेशंस 11 बजे ओनली ऑन Byju's एग्जाम प्रेप ऐप. प्लस आपके लिए बहुत सारे मैराथन क्वेश्चंस आने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ मैराथन, अनलिमिटेड नॉन स्टॉप क्वेश्चन मैराथन. तो ये सब भी होने वाला है, तो प्लीज जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस दिन हम क्या कर रहे हैं. ठीक है? सो दिस इज जनरली द टाइम टेबल ऑफ द फर्दर सेशंस जो कि फरवरी में होने वाले हैं. प्लीज इनके हिसाब से रिवाइज करके आइएगा एंड वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर रन थ्रू जहां पे आई विल ट्राई टू गिव यू क्वेश्चंस व्हिच आर रियली यूनिक, जो क्वेश्चंस आपको एलिमिनेशन में काफी ज्यादा मदद करेंगे. ठीक है?
चलिए सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज का सेशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइंड इन, तो चलो रेडी। तो आप सेशंस का जो टाइमिंग है ये नोट कर लीजिएगा, हर दिन मंडे 11 AM, और कभी एक्स्ट्रा सेशंस लगते हैं तो आई इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड, तो प्लीज मेक श्योर कि एक्स्ट्रा सेशंस को भी ना मिस करें, ठीक है। चलिए सो लेट अस स्टार्ट एवरीवन विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का काउंटडाउन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये हम किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सेलिब्रेटेड तमिल पोएट है और फिलोसोफर है, जो स्पेसिफिकली 4th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में रहते हैं। तमिल पोएट मामुलंकार जो है संगम पीरियड के, ये कहते हैं कि भाई ये जो स्कॉलर है ये काफी बड़े ग्रेटेस्ट तमिल स्कॉलर है। देन वीजी संतोषन स्पेसिफिकली सिलेक्ट हुए थे 2016 में एक अवार्ड के लिए, जो इन्हीं के नाम पे स्पेसिफिकली है। एंड रिसेंटली इस पर्सनालिटी की स्टैच्यू अनवील हुई थी हरिद्वार में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको फोटो भी दे रखी है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई? क्योंकि अगर आप देखते हैं पेपर में संगम पीरियड से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी पे हो, चाहे इनकी आप देखोगे प्रॉपर संगम सोर्सेस पे हो या संगम काउंसिल्स पे हो, दिस इज वन क्वेश्चन ऑलवेज कमिंग, या टर्म बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो किसके बारे में बात करें एवरीवन, हियर वी गो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तमिल पोएट है, फिलोसोफर है, जो 4th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी BC के टाइम पीरियड में थे। तमिल पोएट मामुलंकार कहते हैं कि भाई ये पर्सन तमिल काफी ग्रेटेस्ट तमिल स्कॉलर है। वीजी संतोषम रिसेंटली एक अवार्ड के लिए इलेक्ट हुए थे, जो इन्हीं के नाम पे है। एंड रिसेंटली इनकी एक स्टैचू है जो हैदराबाद, टेक्निकली हरिद्वार में अनवील हुई थी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेट अस सी। सो वी हैव सी एंड डी। मधुनलाल एग्जामिनेशन डेट सी इज गोइंग टू कम, टेंटेटिव डेट तो 22nd से 1st वीक ऑफ मार्च तक है। सो मोस्ट प्रोबेबली इन अ वीक और सो वी विल एग्जैक्टली नो द डेट, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए सो लेट अस सी, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। सो विच इज करेक्ट, ये एक मशहूर तमिल दार्शनिक थे जो 4th शताब्दी से लेके 1st शताब्दी के टाइम पीरियड में थे। संगम काल में तमिल कवि ममनन कहते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी तमिल विद्वान है। एट द सेम टाइम वीजी संतोषन जो है 2016 में एक पुरस्कार के लिए चुने गए, जो इन्हीं के नाम पे था। एंड रिसेंटली हरिद्वार में इनकी एक प्रतिमा जो है उसका बेसिकली अनावरण किया गया है। सो विच इज करेक्ट। चलो सो वी हैव सी डी सी डी सी डी, सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर हियर। सो मोस्ट ऑफ यू हैव एक्चुअली सेड इट राइट, जिन लोगों ने भी बोला है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज थिरुवल्लुवर। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि संगम टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थिरुवल्लुवर या वल्लुवर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे तमिल पोएट सेंट है, ठीक है। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, एवरीबडी इन्होंने क्या लिखा है, यू ऑल मस्ट नो हिम स्पेसिफिकली। कौन सी बुक में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने तिरुकुराल पढ़ा होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर का टेक्स्ट है। ये डिवाइडेड है मोस्टली आप देखोगे 133 सेक्शंस में, ठीक है, और ये किताब 133 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एंड मोस्टली आप देखोगे 3 मेजर बुक्स हैं, और इनका कंटेंट मैटर क्या, ये किताब जनरली डील किससे करती है, सबसे पहले वर्च्यू, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, जिसको बोला गया है अरब। दूसरा पावर, कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी गवर्नमेंट ये कैसे चलती है। एंड तीसरा लव, तो मोस्टली इसका जो कंटेंट है एथिक्स, एक एथिकल लाइफ, पॉलिटिक्स, आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये पूरा का पूरा डील कर रहा है। दूसरी ये काफी न्यूज में भी है, तो इनके बारे में जनरली आप देखोगे इनके बारे में इफ यू सी कि और कहाँ कहाँ पे इनके बारे में एविडेंस है, तो 16th सेंचुरी के टाइम पे आप देखोगे इनके नाम पे एक टेम्पल भी बनी है, एकाबरमेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है चेन्नई में, वहां पे। एट द सेम टाइम 1976 में आप देखोगे एक टेम्पल मेमोरियल भी बना है स्पेसिफिकली अगेन चेन्नई में। एंड 133 फीट की स्टैचू भी इनकी बनी है, विच इज इन कन्याकुमारी, ठीक है। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट एविडेंस, संगम पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन यहां से मोस्टली आप देखोगे हमेशा पेपर में आता है, ठीक है। नंबर टू, 11वीं शताब्दी की जिनेश्वर सूरी की किताब है सत्स्थान प्रकरण, ये बेसिकली किससे संबंधित है, ये संबंधित है जो वज्रयान यज्ञ है उससे रिलेटेड। ये आपको बताती कि जो जैन भिक्षुज है उनके क्या अनुष्ठान रिचुअल्स है। ये किताब आपको ये बताती कि जैन मर्चेंट्स, जैन व्यापारियों की क्या नैतिकता है उससे रिलेटेड ये किताब है, या ये किताब आपको बताती है बुद्धिस्ट भिक्षुज की जो शुद्धि के नियम है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो टेक्स्ट याद कर लीजिएगा किसकी है, किस टाइम पीरियड की है, और ये टेक्स्ट किससे डील करती है। चलो ओके, सो इजी सी, वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यू टोल्ड अस। चलो सो विच इज करेक्ट हियर, बी और सी?
अब ओके, मोस्ट ऑफ यू आर काइंड ऑफ रॉन्ग, तो प्लीज एक बार इसको देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस ही करके जाने। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी एथिकल कोड फॉर जेन वर्सन्स। तो टेक्निकली ये किताब आपको क्या दिखाती, ये किताब आपको ये दिखाती कि भाई देखो बहुत सारे जेन टेक्स्ट हैं, बहुत सारे जेन किताबें हैं जो गुजरात के जो मर्चेंट्स हो गए, गुजरात के व्यापारी हो गए, वो पेट्रनाइज करते थे। बट इसमें ये भी लिखा गया कि अपार्ट फ्रॉम पेट्रनाइजिंग, ये जो बेसिकली हमारे जेन टेक्स्ट थे जो स्पेसिफिकली मर्चेंट्स हमारे व्यापारी पेट्रनाइज करते थे, उसके अलावा वो राइटर्स भी थे। अपार्ट फ्रॉम पेट्रनाइजिंग वो राइटर्स भी थे, वो काव्य लिखते थे, वो पोएट लिखते थे, वो फिलोसफी से रिलेटेड चीजें लिखते थे, वो ग्रामर लिखते थे। तो ये किताब आपको जनरली उन चीजों के बारे में बता रही है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि व्यापारी अपार्ट फ्रॉम पेट्रनेज संरक्षण देने के अलावा उन्होंने खुद भी बहुत सारी किताबें जो है इनकी रचना की है। ठीक है, चलिए नंबर थ्री, बायोग्राफिकल वर्क और कौन से ऑथर है। सो वी हैव कुमार पाल चरित्र, हम बात कर रहे हैं हमीर काव्य की, हम बात कर रहे हैं नफसा चरित्र की, और बेसिकली भोज प्रथा की। एंड इसके ऑथर कौन है, सो नया चंद्रा, पद्म गुप्ता, बलाल देव या बेसिकली हेमचंद्र। सो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल वर्क है, और कौन किसके ऑथर है। ठीक है, सो कुमार पाल चरित्र, वी हैव हरिम काव्य, वी हैव नव सिंह संचर चरित्र या बेसिकली भोज प्रबंध। सो नया चंद्र, देन वी हैव पद्म गुप्ता, बलाल देव या बेसिकली हेमचंद्र। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, बुक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट इनके लेखक। एंड दूसरी काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट बुक किसी ना किसी रूलर के बारे में आपको एविडेंस दे रहा है। सो जनरली ऑल्सो यू शुड नो दीज बुक्स। एक्चुअली हर किताब में ही आपको उनके रूलर्स के नाम दिख जाएंगे, इफ यू रीड इट प्रॉपरली। तो स्टार्टिंग जो वर्ड्स है वो रूलर्स के ही है। सो विच इज करेक्ट एवरी वन, परफेक्ट। सो मोस्ट ऑफ यू आर राइट, करेक्ट आंसर हियर इज बी। अब इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सो ये जो कुमारपाल चरित्र है हेमचंद्र की, पहले तो ये जो आचार्य हेमचंद्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन भिक्षु थे, पोएट है, मैथमेटिशियन है, इन्होंने ग्रामर, फिलोसफी, मैथ्स, जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है इस पे भी लिखा है। और ये पूरी की पूरी किसके बारे में बुक है, तो ये आपकी जो चालुक्यन किंग थे कुमारपाल, ये पूरी की पूरी किताब इनके ऊपर है। ठीक है, देन वी हैव हमीरा काव्य नयानचंद्र की, अगेन ये जो हमीरा महाकाव्य है ये 15th century संस्कृत एपिक पोयम है। देन वी हैव नवसार चरित्र बाय पद्मगुप्ता, पद्मगुप्ता कहा जाता है इनको, परिमल कालिदास भी कहा जाता है, जो मृगन गुप्ता के स्पेसिफिकली बेटे थे। एट द सेम टाइम ये कोर्ट पोएट भी थे परमार्स के। ठीक है, एंड देन वी हैव भोज प्रबंधा ऑफ बलल देव, ये स्पेसिफिकली आप देखोगे पूरी की पूरी कहानी है, बलल देव लिखी गई है उनके द्वारा, ये भोज किंग द्वा के बारे में है जो कि मालवा के राजा थे। ये वो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंटेन करती है, कालिदास के बारे में, बाणभट्ट के बारे में, अभव्य भूति के बारे में, इनके बारे में भी इस पूरे के पूरे बुक में स्पेसिफिकली एविडेंस है। ठीक है, तो जनरली आपको ये भी आ सकता है कौन सी किताब किस रूलर से एसोसिएटेड है, तो दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, तो एक बार आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर फोर, सो किंग्स एंड भाई किसके बारे में क्या बोला गया है रॉक एडिक 13 में। सो वी हैव अमतिया, वी हैव तुलमाया, वी हैव अल्के सादल एंड माया। सो एलेक्जेंडर द सेकंड ऑफ इप्रिस, टॉलेमी द सेकंड फिलाडेल्फिया ऑफ इजिप्ट, मगास ऑफ साइरिन या एंटोकियस द सेकंड थियोस ऑफ सीरिया। तो इस बार 2022 अक्टूबर में ये वाला जो एरिया है आर्किटेक्चर वाला पार्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड ये डोमिनेट हुआ था। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रॉक एडिक 13 पे पूरा का पूरा पैसेज भी आया था, तो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन से राजा का नाम है एंड जनरली वो राजा किसको रेफर करते हैं। सो वी हैव अमित्यक, वी हैव तुलमाया, देन वी हैव अल्केदासल एंड माका। सो बेसिकली एपस, देन वी हैव टॉलमी, देन वी हैव सिरेन के मेगा, और बेसिकली सिरेन के एंटोगियस द्वितीय। विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। चलिए, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज डी। अच्छा, अब ये तो सबको पता है, अब अगर ये पढ़ रहे हैं तो रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें ये बोला गया है कि उन्होंने धम्म विजय प्राप्त की थी कुछ रूलर्स के ऊपर, तो किन रूलर्स के ऊपर उन्होंने धम्म विजय प्राप्त की थी। जनरली इन रॉक एडिक 13 इट्स रिटन कि उन्होंने धम्म विजय प्राप्त की थी, तो अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रीक रूलर्स उन्होंने और किन किन लोगों के ऊपर धम्म विजय के थ्रू जीत प्राप्त की थी। रिमेंबर, सो वी हैव एविडेंस किसके किसके, लेट्स रिवाइज इट। यावनाज हो गए, फिर वी हैव कंबोजाज हो गए, फिर वी हैव नभापंतीज हो गए, और कौन थे। ओके, भोजाज भी सही है, और देन वी हैव आंद्रास, टेक्निकली सतवानाज हो गए, देन
चोलाज हो गए, पांड्यास हो गए, इनके भी नाम आते हैं पेपर में, बहुत ही कॉमन नेम्स आता है। दूसरा, इनका ऑर्डर क्या है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर नेम। तो अगर आपको ये बोला गया जाएगा कि भाई ये जो लोगों के नाम दिए गए इनका करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या है एवरीबडी, वी हैव डन इट ऑल्सो इन द एप सेशंस। करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर, करेक्ट क्रोनोलॉजी में सबसे पहले एंटोकियस द सेकंड आएंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे टॉलमी द सेकंड आएंगे, फिर आएंगे फिलाडेल्फियस ऑफ इजिप्ट। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर आ जाएंगे हमारे मेगस ऑफ साइरिन, फिर आ जाएगा एंटीगनस ऑफ मेसिडोनिया, एंड फिर आ जाएंगे एलेक्जेंडर। तो इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब बताओ कौन से रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट रिवाइज करते हैं, कौन से रॉक एडिक्ट नंबर में राजूकास और प्रदेशिकास के बारे में वर्णन है। तो कौन सी रॉक एडिक्ट है जो कहते हैं कि भाई राजूकास प्रदेशिकास जब अपने ड्यूटी के लिए जाते थे तो धम्मा का प्रचार करते थे। सो विच रॉक एडिक्ट सेज दैट, कौन बताएगा। चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ यू राइट। तो जल्दी जल्दी रैपिड फायर है, ठीक है। सो कौन सी रॉक एडिक्ट ये बताती, लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर। चलो परफेक्ट, सो पद्मिनी इज राइट, देन वी हैव पुष्पा करेक्ट, रैपिड फायर फर्स्ट फाइव नेम्स। ओके ओके, वंदना रुकेश बिल्कुल सही है। तो रॉक एडिक्ट नंबर थ्री स्पेसिफिकली कहती है भाई राजूकास प्रदेशिकास, ठीक है। परिषद जो है ये किस रॉक एडिक्ट में मेंशन्ड है, द फैक्ट कि परिषद के लोग हैं जो बेसिकली युक्तास को कहते हैं कि अपनी ड्यूटी कैसे करनी है। तो ये किस में मेंशन्ड है, परिषद एंड युक्तास, दिस इज इन विच रॉक एडिक्ट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, रॉक एडिक्ट नंबर थ्री, ठीक है। और किस रॉक एडिक्ट में ये लिखा है जहां पे राजा ये कहते हैं कि देखो भाई बाकी राजा तो प्लेजर टूर्स के लिए जाते थे, बट मैं प्लेजर टूर के लिए नहीं जाता हूं, मैं धम्मा टूर के लिए जाता हूं। ये किस में लिखा है, विच रॉक एडिक्ट सेज दिस कि राजा प्लेजर टूर में नहीं जाते हैं बट धम्मा के टूर पे जाते हैं। फर्स्ट टू नेम्स, ओके, विच रॉक एडिक्ट, सिक्स, फोर या एट। ओके, प्लीज रिवाइज इट एवरीबडी। देखो वैसे तो इस बार काफी क्वेश्चंस यहां से आ चुके हैं, मे बी ना आए बट जनरली, ठीक है। किस रॉक एडिक्ट में राजा ने ये बोला है कि भाई आपको दूसरे के जो भी सेक्ट्स है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सो विच इज दैट रॉक एडिक्ट कि भाई औरों के जो सेक्ट्स है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और खुद के सेक्ट के बारे में ओवरली किसी और को जाके नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा लिबरल रहना चाहिए। किस में लिखा है क्रिटिसिज्म, ठीक है, 12 नंबर रॉक एडिक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज, किस रॉक एडिक्ट में स्पेसिफिकली जो सेरेमनीज है उनको क्रिटिसाइज किया गया। जैसे कहते हैं ना आपके राजा की भाई जो सेरेमनीज मान लो किसी के मृत्यु पे हो रही है, किसी के जन्म पे हो रही है, या कभी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये मीनिंगलेस सेरेमनीज नहीं करनी चाहिए, रादर आपको धम्मा की सेरेमनी करनी चाहिए जिससे इस लाइफ में भी फायदा होगी नेक्स्ट लाइफ में भी। तो ये जो सेरेमनीज का क्रिटिसिज्म है ये किस रॉक एडिक्ट में दिया है, रॉक एडिक्ट नंबर नाइन, ठीक है। लास्ट, किसमें कहा गया है कि भाई धम्मा बेस्ट गिफ्ट है, धम्मा इज द बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि भाई धम्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, धम्मा इज द बेस्ट गिफ्ट, ये किसमें लिखा है। ओके परफेक्ट, 11। अच्छा और ये बताओ किस रॉक एडिक्ट में राजा अपने बारे में कहते हैं, क्योंकि देखो सारे में तो वो ये बताते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बट किस रॉक एडिक्ट में वो अपना धम्मा बताते हैं कि भाई एज अ राजा उनका क्या धर्म है, ये किस रॉक एडिक्ट में बताते हैं। या फॉर एग्जाम्पल किस रॉक एडिक्ट में वो अपने गोल्स बताते हैं कि भाई एज अ राजा मैं धम्मा को फॉलो कर रहा हूं, ये मेरे गोल्स हैं। ओके, नंबर टू, नंबर सिक्स, ठीक है। एक बार ये गो थ्रू कर लीजिएगा, वैसे तो इस बार काफी क्वेश्चन आया है इस एरिया से, मोस्टली मे बी दे कैन टिल्टेड, तो अगर थोड़ा टिल्ट करते हैं तो पॉलिटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर यहां से रिपीट नहीं करते, ठीक है। चलिए नंबर फाइव, गुप्ता टेम्पल्स और कौन सी जगह है, दशवतर टेम्पल, वी हैव भितरगांव टेम्पल, विष्णु टेम्पल एंड पार्वती टेम्पल। सो वी हैव तिगावा, कानपुर, देन वी हैव नचरिया खतूर एंड देवघर विलेज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट, दशवता टेम्पल, भितरगांव टेम्पल, विष्णु मंदिर, पार्वती मंदिर, तिगावा, कानपुर, नचरिया एंड देवगढ़ गांव। अच्छा याद रखिएगा, जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं तो गुप्ता पीरियड में हम फाइव स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, याद है फाइव स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कैसे समय के साथ टेम्पल्स जो है इनके कंस्ट्रक्शन में चेंजेस होते हैं। तो यहां से आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम स्थान का मैच द फॉलोइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप इसका आंसर दो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो ये तो चलो इजी है, सबको पता है डी। अब बताओ ये सारे मंदिर में से कौन सी ऐसी मंदिर है जो सबसे प्रिलिमिनरी, सबसे प्रारंभिक एविडेंस देती है पंचयत्न स्टाइल की।
सो पंचेतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आपको पता है, जहां पे एक हमारा मेन श्राइन रहता है एंड सब्सिडरी श्राइन्स रहते हैं। तो कौन सी इस मंदिर में से सबसे प्रारंभिक एविडेंस देती है ऐसे सब्सिडरी श्राइन्स की या ऐसे पंचायतन सिस्टम की? जब आप गुप्ता पीरियड पढ़े और सारे 5 स्टेजेस पढ़े तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी मंदिर आपको कौन से प्रारंभिक एविडेंस दे रही है। विच इज करेक्ट? दशवतर टेम्पल। चलो परफेक्ट है, एक बार ये वन लाइनर्स गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नंबर 6। इनमें से अर्ली मिडिवल इंडिया में स्पेसिफिकली जो सबॉर्डिनेट रूलर्स होते थे, जो अधीन शासक होते थे, उनको क्या बोला जाता था, किस टाइटल से बोला जाता था? महासमान, और देवर कॉल्ड रणक, और देवर कॉल्ड परम भद्रक। सो मोस्टली अर्ली मिडिवल पोस्ट गुप्ता कॉन्टेक्स्ट में, अर्ली मिडिवल कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली सबॉर्डिनेट रूलर्स जो हमारे अधीन शासक होते थे उनको जनरली किस टर्म से बुलाया जाता था? उनको महासमांत बोला जाता था, रणक बोला जाता था, या परम भद्रक बोला जाता था? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको सबॉर्डिनेट रूलर पूछा गया, मतलब अधीन शासक, ठीक है? सो विच इज करेक्ट? ओके, मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग हियर। कोई और जो सब कुछ के अलावा बता रहा हो? ओके, सो द एंटायर क्लास जनरली गोज रॉन्ग हियर, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 1 एंड 2। पहली बात, परम भद्रक जो टाइटल है, मोस्टली आप देखोगे जो आपके राजा होते थे, मोस्टली जो ओवरलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, उनको स्पेसिफिकली बोला जाता था महाराजाधिराज, परमेश्वर एंड परम भद्रक। एंड जो सबॉर्डिनेट रूलर्स होते थे, जो अधीन शासक होते थे, वो कहा जाता था उनको महाराज, समांत, महासमांत, रणक एंड महासमधिपति, ठीक है? चलिए मूविंग टू नंबर 7। मेगालिथिक साइट्स एंड कौन से राज्य में? हलूर, नागार्जुनकोंडा, अदिनचनल्लूर एंड महुरझरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सिंपल है, मोस्टली पेपर का ट्रेंड ऐसा है कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। एंड जनरली मेगालिथ से साइट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, आपको थ्योरी आया था सोसाइटी के बारे में, तो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और साइट्स देख लीजिएगा, ठीक है? सो मेगालिथ साइट्स एंड स्टेट्स, सो वी हैव हलूर, वी हैव नागार्जुनकोंडा, अदिनचनल्लूर एंड मुरझरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? सो विच इज द साइट एंड कौन से राज्य में है? वेरी सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए आई थिंक एवरीबडी हियर इज करेक्ट, करेक्ट आंसर हियर इज सी। और ये एक ही से हो जाता, अगर आपको ए का पता है कि 1 है, दैट इज, तो यू विल सी कि ए 1 कहीं भी नहीं है, सो ऑटोमेटिकली सी बिकम्स द आंसर, सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से ही। नंबर 8, इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस देती है कि एक अग्रीमेंट हुई थी मनीग्राम गिल्ड, फॉरेन ट्रेडर्स एंड राजा की, जहां पे ये अग्रीमेंट हुआ था टैक्सेस को लेके, ये अग्रीमेंट हुआ था फॉर एग्जांपल आपके जो वेयर हाउसेस हो गए उनको लेके, या मान लो जो व्यापारी है उनको कैसे प्रोटेक्शन देंगे, जो सामान बुला रहे हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन देंगे, तो हमें एक ऐसा इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला। अभी हम किस पोर्ट की बात कर रहे हैं? खुलौन की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली तिरुवदे की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली पल्लव पट्टनम की बात कर रहे हैं और सदरासी की बात कर रहे हैं। सो एक हमें प्रॉपर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला, एक अग्रीमेंट का बिटवीन अ गिल्ड, फॉरेन ट्रेडर्स, राजा, रिगार्डिंग टैक्स इश्यू, कहाँ गोदाम रहेगा, उनके व्यापारियों के प्रोटेक्शन के बारे में, और जनरली ये सब किस पोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर, एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट राइट, इट इज ए, हम बात कर रहे हैं खुलौन की। सो क्विलॉन, कोल्लम, केरला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन था वेस्ट कोस्ट में, एंड यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला है कि भाई गिल्ड, फॉरेन ट्रेडर्स, राजा के बीच में किसी ना किसी तरीके का एक तरीके का अरेंजमेंट हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था, ताकि व्यापारियों को प्रोटेक्शन मिले, एट द सेम टाइम मान लो जो उनके सामान है उनको इस पोर्ट में प्रोटेक्शन मिले। तो कौन सा एरिया है ये? वी आर टॉकिंग अबाउट क्विलॉन। चलिए नंबर 9, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, राष्ट्रकुता डायनेस्टी फाउंडेड बाय दांती दुर्गा, सेना डायनेस्टी इन बंगाल अंडर किंग विजय सेना, चंदेल पावर अंडर यशोवर्मन एंड बादामी चालुक्यास बाय पुलकेशिन द सेकंड। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है डायनेस्टीज के स्टार्टिंग का? तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए राष्ट्रकुता, सेना, चंडेल, बादामी, चालुक्यास कब है। दूसरा यहां से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है एवरीबडी, दैट इज पीपल, और ऑब्वियसली कौन किस डायनेस्टी का फाउंडर है, तो ये भी काफी दो क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। सो दांती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकुता वंश की स्थापना, देन वी हैव विजय सेन के अधीन बंगाल के सेन वंश का उदय, यशोवर्मन के अधीन चंदेल सत्ता की स्थापना, एंड पुलकेशिन द सेकंड द्वारा बादामी के चालुक्य सत्ता की स्थापना। सो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस डायनेस्टी? चलो सो द करेक्ट आंसर हियर, मोस्ट ऑफ यू आर राइट, ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो हमें ये बताती है कि भाई इंपोर्ट होती थी चीजें, जैसे हॉलीवुड, सैंडलवुड, आप देखोगे सिल्क, रेशम, गुलाब जल, कपूर, तेल, इत्र, हाथी, घोड़े, ये सारी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। तो कौन सी इंस्क्रिप्शन में ऐसे इंपोर्ट के बारे में जिक्र है? नागापट्टिनम के बारे में जिक्र है, और बेसिकली पिरनमलाई के बारे में, शिकारपुर के बारे में, या तंजोर के बारे में। सो कहां पे इस तरह के इंपोर्ट का रेफरेंस है? दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये एक इंस्क्रिप्शन में मेंशनड है, तो दूसरी तरीके से देखें आज, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में कौन से इंपोर्ट आइटम्स है, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको ये सारी चीजें जनरली पता होनी चाहिए। ठीक है, सो कहां पे एवरीबॉडी, कौन सा इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन अभी कहां पे मिली है, विच इंस्क्रिप्शन इट इज? ओके ओके, सो सम ऑफ यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, पिरनमलाई। तो जनरली ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं पिरनमलाई में, विच इज इन तमिलनाडु, ये हमें कहते हैं कि भाई देखो ये चीजें इंपोर्ट होती थी। क्या क्या? रेशम, गुलाब, चंदन, कपूर, तेल, हाथी, घोड़े, एंड मोस्ट ऑफ द चीजें कहां से इंपोर्ट होती थी? तो ये टेक्निकली हमारी जो पूर्वी एशिया है, साउथ एशिया है, वहां से। ठीक है, नंबर 11। इनमें से कौन सी सोर्स है जो ये कहती है कि भाई स्ट्रैंडर्ड टोर्टस जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया कॉन्कर करते हैं, और जो भी अलेक्जेंडर के गवर्नर्स थे उनको वहां से हटाते हैं? एपिटोम कहती है, इंडिका कहती है, नेचुरल हिस्ट्री कहती है, या मुद्राक्षसा कहती है? सो इनमें से कौन से सोर्स है जो हमें स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि स्ट्रैंडर्ड टोर्टस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कॉन्कर करते हैं, वहां से अलेक्जेंडर के गवर्नर्स को हटा देते हैं? सो टेक्निकली ये जो इंपॉर्टेंट सोर्स है ये आपको इनके एक्सपेंशन के बारे में भी बता रही है। सो विच इज द सोर्स हियर एवरीबडी? हाँ करेक्ट है, करेक्ट आंसर हियर इज ए। तो इसको रिवाइज कर लो, एन एपिटोम बाय जस्टिन, ये ग्रीक में लिखी गई किताब है, ये हमें बताती कि स्ट्रैटोटस जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया लेते हैं और अलेक्जेंडर के गवर्नर्स को हटाते हैं। इंडिका ऑफ अरियान ग्रीक में है, ये स्पेसिफिकली कहते कि भाई नंद के पास 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 घोड़सवार सेना, 6,000 घोड़े एलिफेंट्स। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री कहती है मौर्यास के पास प्रॉपर पैदल सेना, घोड़सवार सेना, प्रॉपर हाथी, और प्रॉपर इनके पास जो रथ थे वो मौजूद थे। एंड मूद राक्षस ऑफ विशाखादत्त हमें स्पेसिफिकली ये कहती है कि कैसे मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फाउंडेशन ले किया था, और कैसे नंस को हटाया गया था, और एक मौर्यन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये वन वन लाइनर किताबों के बारे में हमेशा फैक्ट्स याद रखिए फॉर एनी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और एनी एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि इनका टाइम पीरियड क्या है और ये जनरली क्या कहते हैं, तो फॉर इंद्रिट क्वेश्चंस आल्सो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 12, ये हमारी टर्म्स हैं और ये मतलब है, कौन से सही मैच्ड है? सो वी हैव अरामिका, ये बेसिकली होते हैं जो पार्क के परिचक हो गए, पार्क अटेंडेंस। देन वी हैव वधाखी, ये कारपेंटर हो गए, बढ़ई हो गए। एंड देन वी हैव लोकरनारा ग्राम, ये हो गए हमारे निर्माता, नमक निर्माता, सॉल्ट मेकर्स। तो इनमें से कौन सी करेक्ट टर्म है जो मोस्टली आपको बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर में दी गई है, और किसकी सही मीनिंग है? चलो, सो विच इज करेक्ट? ओके, टुडे आई थिंक वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। चलो, तो करेक्ट आंसर हियर, मोस्ट ऑफ यू आर राइट, हियर इज डी। ये सब सही मैच्ड है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। जनरली जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट ग्रंथ थे वो हमें बहुत तरीके के रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बताते हैं। विनय पिटक भी इस तरह की कुटीज के बारे में एविडेंस देते हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ग्रामा वर्ड जो है पाली में, गामा शब्द, इसका स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है। एंड मोस्टली आप देखोगे ये जो पाली किताबें हैं वो कहती हैं पार्क अटेंडेंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरामिका ग्राम, कारपेंटर को कहा जाता था वधिका ग्राम, रीड मेकर्स को कहा जाता था नालकार, एंड सॉल्ट मेकर्स को कहा जाता था लोनकार। ठीक है, तो ये जनरली याद रखिएगा इनके एरियाज जहां जहां पे ये रहते थे, तो ये इनके विलेजेस थे, तो इनका एक बार ये टर्म्स गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 13, इनमें से कौन से स्तूपा के पैनल्स पे हमें भगवान मिले हैं जो बोधिसत्वा से प्रार्थना करते हैं कि आप पृथ्वी पे पैदा होइए? कहाँ पे हमें एविडेंस मिले कि जो बुद्ध है वो स्पेसिफिकली गर्भ में व्हाइट एलिफेंट के तरीके से बढ़ रहे हैं? और कहाँ पे हमें एविडेंस मिला है कि बुद्ध पैदा हुए हैं? किसी एक टीक ट्री के नीचे। ये सारे ड्रॉइंग्स, ये सारे सीन्स किस स्तूपा के पैनल में है? नागार्जुना कोंडा स्तूपा, बरहूत स्तूपा, सांची स्तूपा, या अमरावती स्तूपा? सो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ठीक है, सो भगवान बोधिसत्व से पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं, सफेद हाथी के रूप में बुद्ध का गर्भ में प्रवेश करना, फूल वाले सौगान के पेड़ के नीचे बुद्ध का जन्म। तो स्पेसिफिकली ये किस स्तूपा के पैनल्स में है? नागार्जुना कोंडा, बरहूत स्तूपा, सांची स्तूपा, या अमरावती? सो विच इज करेक्ट?
ठीक है. सो एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर विच सम ऑफ यू हैव सेड, करेक्ट आंसर हियर इज ए नागार्जुना कोंडा स्तूपा. ये स्पेसिफिकली इनके स्तूपा के पैनल्स में ये रेफरेंस है. तो जब आप पोस्ट मॉरियन पीरियड पढ़ते हैं तो इन द पोस्ट मॉरियन पीरियड आप देखते हैं कैसे स्तूपाज बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव हो जाते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा ये देखना है कि कहाँ पे सिंबल्स होते हैं और किस स्तूपा के पैनल्स में कौन से पैटर्न बने. अच्छा, कौन से स्तूपा में आपको एविडेंस मिला है कि राइडर्स हैं जो हैवी कोट्स पहने हैं और जिन्होंने बूट्स पहना है, ये किस स्तूपा के पैनल में इसका रेफरेंस है. या बुद्धा की जो लाइफ के फोर ग्रेट इवेंट्स है, ये स्पेसिफिकली किस पैनल के ऊपर ये बने हुए हैं. सो ये हर एक स्तूपा में जनरली क्या पैनल्स है, क्या ड्रॉइंग्स है, ये आपको देखना पड़ेगा. एंड हियर कौन सी स्तूपा है, तो ये टेक्निकली सांची स्तूपा की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नंबर 14. बिटवीन पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटास, ठीक है, सबसे पहले जो लार्जेस्ट हाथी थे, जो सबसे बड़ी संख्या में जो हाथी थी, ये पाला और राजाओं के पास थी. ठीक है, बहुत सारे घोड़े इंपोर्ट होते थे राष्ट्रकूटा द्वारा एंड पाला राजाओं द्वारा फ्रॉम अरेबिया एंड वेस्ट एशिया. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है. सो विथ स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. बिटवीन पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूट, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हाथी पाला राजाज पालते थे एंड बहुत सारे घोड़े इंपोर्ट हुए थे राष्ट्रकूटा और पाला राजाओं द्वारा, जो स्पेसिफिकली अरेबिया और वेस्ट एशिया से आता था. सो विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट. टुडे मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग रॉन्ग. तो आई थिंक अब हमने जब थ्योरी शुरू किया है तो अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज दीज वेरी वेरी वेल. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए and most of you are absolutely absolutely right. तो चलो देख लेते हैं कैसे ये राइट है. सबसे पहले पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा, इनके राजाओं के पास काफी ज्यादा घोड़सवार सेना, प्रॉपर आप देखोगे पैदल चलने वाली सेना एंड प्रॉपर युद्ध के लिए हाथियां थी. इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाथियां हैं ये पाला रूलर्स के पास थी. ठीक है, मोस्टली घोड़े इंपोर्ट होते थे राष्ट्रकूटास एंड प्रतिहारास द्वारा फ्रॉम अरेबिया एंड वेस्ट एशिया. ठीक है, एट द सेम टाइम कहा जाता था प्रतिहारा राजाओं के पास सबसे ज्यादा जो घोड़सवार सेना थी, हाईएस्ट फाइनेस्ट घोड़सवार सेना इनके पास थी. ठीक है, तो जनरली ये कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द राष्ट्रकूटा राजास के पास काफी फोर्ट्स भी थे, प्रॉपर ट्रूप्स थे, उनके खुद के कमांडर्स थे. ठीक है, एंड इनकी जो सेना थी उसमें रेगुलर इरेगुलर ट्रूप्स दोनों प्रोवाइडेड थे. ठीक है, तो एक बार ये सब थ्योरी कर लीजिएगा क्योंकि हम यूजुअली ये मिस करके जाते हैं. चलिए, पाला प्रतिहाराज राष्ट्रकूटास के बारे में कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो तीनों के लिए कॉमन है. भुक्ति, देन वी हैव विश्य एंड देन वी हैव राष्ट्र. सो इनमें से कौन से प्रशासनिक इकाई हैं जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटा के लिए समान है, कौन सी कॉमन चीजें तीनों के लिए. सो वी हैव भुक्ति, देन वी हैव विश्य एंड देन वी हैव राष्ट्र. सो विच इज करेक्ट. सो विच इज कॉमन टू ऑल, आई थिंक ये सब थोड़ा देख लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि देखो फैक्ट्स आता है तो हम सब कर लेते हैं, प्रॉब्लम है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट ऑफ अस गो रॉन्ग क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज, ठीक है, करेक्ट आंसर हियर मोस्ट ऑफ यू राइट, इट इज बी 1 एंड 2, दैट इज भुक्ति एंड विश्य. तो प्रॉपर टेरिटरीज पाला प्रतिहारास के डिवाइडेड थे इनटू भुक्तीज मतलब प्रांत हो गए, मंडल और विश्याज मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गए. जो प्रांत के गवर्नर होते थे उनको बोला गया उपारिका और जो हेड होते थे डिस्ट्रिक्ट के वो थे हमारे विश्यापति. ये उपारिका का क्या काम था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, आर्मी की मदद करना. विश्यापति का भी सेम वही काम था. एट द सेम टाइम इस टाइम पे छोटे छोटे चीफ आने लगे जिसको हमने बोलना शुरू किया भोगपति एंड समान. ठीक है, एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंटली ये विश्वपति और ये छोटे चीफ यूजुअली एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते थे. ठीक है, एंड धीरे धीरे इनका पावर बढ़ने लगा. राष्ट्रकूटा किंगडम में जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड एरियाज थे वो थे राष्ट्र प्रांत, विश्य एंड भुक्ति. तो विश्य भुक्ति आप देखोगे तीनों में कॉमन है बट राष्ट्र इज राष्ट्रकूटा और राष्ट्र के हेड थे राष्ट्रपति एंड वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते थे जो उपारिका परफॉर्म करते थे पाला प्रतिहारा एम्पायर में, है ना. तो एक बार ये सब गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड पाला प्रत्यार एम्पायर में जो यूनिट विश्व के नीचे थी उसको बोला जाता था पटाला. चलिए नंबर 16. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केट के सुपरिटेंडेंट को क्या कहते थे, बाजारों के अध्यक्ष को क्या कहते थे. वी कॉल दैट समस्त अध्यक्ष, हम उनको कहते थे लोहाध्यक्ष, हम कहते थे अर्काध्यक्ष या हम उनको कहते थे पुलिस सांझ. सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मार्केट बाजारों के अध्यक्ष को क्या कहते थे. सो विच इज करेक्ट.
डोंट वरी, नाउ वी आर गोइंग टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप प्रॉपर आपके मैराथन क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो इसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको ऐप पे भी कराऊंगी. आपको थोड़ा इन चीजों में ध्यान देना है कि थ्योरेटिकल क्लियर हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ ना हो. सो विच इज करेक्ट? चलो, सो हियर मोस्ट ऑफ यू आर राइट. द करेक्ट आंसर हियर इज संस्थाध्यक्ष. तो संस्थाध्यक्ष हो गए मार्केट के सुपरिटेंडेंट, लोहा हो गया आयरन के सुपरिटेंडेंट, अकाराध्यक्ष हो गए माइंस के सुपरिटेंडेंट, और पुलिस संच हो गए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. ठीक है, अब इनमें से कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो ये बताती कि भाई जो महाराज सुरश्मि चंद्र है ये लोकपाल है, कालिंदी और नर्मदा रिवर के बीच की जो जमीन थी वहां पे ये मोस्टली उस एरिया पे गवर्न करते थे. ये ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन बता रही है बुद्धगुप्त की, ये बेसिकली कुमारगुप्त की स्टोन इंस्क्रिप्शन बता रही है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बता रही है, या ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन बता रही है चंद्रगुप्ता द सेकेंड की. इसमें एक और चीज याद रखिएगा, कौन सी इंस्क्रिप्शन किस हमारे रूलर की है ये भी इंपॉर्टेंट है. तो जनरली नो दिस, ठीक है. और ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, नेट सेट पीएचडी यूपीएससी प्रीलिम्स दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स. So the correct answer which most of you have said here is A, Iran pillar inscription of Buddhaghupt, जो specifically हमें बताती है कि हाँ महाराज सुरश्मि, ये आपको evidence दे रहे किस चीज का, लोकपाल की, भाई जो governors होते थे इस point of time पे उनके बारे में ये evidence दे रहे हैं. ठीक है, चलिए number 18, पेंटिंग्स और कौन से राज्य में कौन सी पेंटिंग्स है, बाग केव्स, देन वी हैव रावण छाया, सीतन असवाल पेंटिंग, लिपाक्षी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटका. सो कौन सी पेंटिंग्स है और किस राज्य में कौन से पेंटिंग्स है. ठीक है, सो बाघ गुफाएं, रावण छाया, सीतन असवाल पेंटिंग, लिपाक्षी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक. सो पेंटिंग्स एंड कौन से हमारे राज्य है. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू करेक्ट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हियर इज डी. अगेन आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको पता है ए वन होगा तो यू नो इट्स नोवेयर. काफी कॉमन पेंटिंग्स है. ऑल्सो इस बार आपने जो मूवीज पे क्वेश्चन देखा है, आप देख रहे हो थोड़ा पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मूवीज पे क्वेश्चन हो गए, ड्रामास पे क्वेश्चन हो गए, कुछ पेंटिंग्स हो गया, इनको भी हम अपने ऐप सेशन में अब एग्जाम के पहले कवर अप करेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन. ठीक है, अब एंशियंट पोर्ट्स और कौन से राज्य में कौन सा पोर्ट है. सो वी हैव पुहार, वी हैव मुजुरीज, वी हैव ताम्रपित्ती एंड वी हैव मोटुपल्ली, एंड कौन से राज्य है, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक. सो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और किस हमारे स्टेट में कौन सा पोर्ट है. ऑल्सो ये पोर्ट किस टाइम पीरियड का है, किस डायनेस्टी का है, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पोर्ट एरियाज और डायनेस्टी आ सकता है. तो पोर्ट एरियाज काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर में स्पेसिफिकली. सो कौन से सही मैच थे एवरीबडी. सो विच इज करेक्ट. चलो ठीक है, तो मोस्टली सब सही है. इनमें से कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है, 1, 2 एंड 3, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो, सो लेट अस सी अब किसका क्या पोर्ट एरियाज है, एक बार इसको देख लेते हैं. सो सबसे पहले पुहार इज इन तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है. एट द सेम टाइम सिला पदिक्रम में भी ये पोर्ट का जिक्र है, ये काफी इंपॉर्टेंट चोला पीरियड का पोर्ट है. ठीक है, मुजरिस लाइज इन मालाबार कोस्ट केरला, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पोर्ट एरिया था फॉर द चेरा किंगडम. इसका मेंशन संगम लिटरेचर में है, प्लस ये क्यों यूज होता था, एक्सपोर्ट के लिए, जैसे अदकीमती पत्थरे हो गई, पर्ल हो गया, डायमंड हो गया, हाथी के दांत हो गए, सिल्क हो गया, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट होती थी यहां से. ठीक है, कहां पे, पर्शिया में, रोन में, ग्रीस में एंड इजिप्ट में. ठीक है, देन दूसरा भी है ताम्रपित्ती, इस पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौर्यन पीरियड का पोर्ट है, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहा जाता है जो मौर्यन ट्रेड रूट का एग्जिट पॉइंट है साउथ साउथ ईस्ट क्या, ये है. एट द सेम टाइम दुधपानी रॉक शिलालेख में लिखा है कि भाई ये एविडेंस है इस पूरे के पूरे पोर्ट का कि कैसे साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था. ठीक है, इनफैक्ट जो ग्रीक ज्योग्राफर थे टॉलेमी, वो भी ताम्रपित्ती को अपने किताब ज्योग्राफिया में मेंशन करते हैं. हुआन सांग भी स्पेसिफिकली इसके बारे में जिक्र करते हैं, एंड तानमोलिती उसको अपनी किताब में मेंशन करते हैं. ठीक है, एंड फाहिन भी यहाँ पे 2 साल तक रहते हैं. तो इस पोर्ट के बारे में और भी एविडेंसेस है क्योंकि काफी कॉमनली आस्क्ड है. ठीक है, और ये जो मुत्तुपाली है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, कहा जाता है ये काकतीय पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था. एंड मार्को पोलो, जो आप सब जानते हैं, ये इस प्लेस में आए थे एंड इस प्लेस को उन्होंने विजिट किया था. ठीक है, तो एरियाज भी हो गए, डायनेस्टी भी हो गई और इनकी कुछ खूबियां भी हो गई. चलिए नंबर 20,
इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो सरस्वती नदी पे हमें मिली है, जो एक मेमोरियल था 11वीं सदी के टाइम पीरियड में। ये मारू गुजरा आर्किटेक्चरल स्टाइल को दिखाता है। यहाँ पे सेवन लेयर स्टेयर्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर है कहा जाता है एक इन्वर्टेड टेम्पल की तरह है। एंड ये क्यों है? वाटर की सैंक्टिटी को हाईलाइट करने के लिए। तो ये किस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं? चंद बारोनी हम बात कर रहे हैं, अदलाद स्टेपवेल हम बात कर रहे हैं, अमृता वर्षिनी वाव या रानी की वाव? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? सो कौन सी सरस्वती नदी के तट पे खोजी गई संरचना शुरुआत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में राजा के स्मारक के रूप में बनाई गई थी? ये मारू गुजर संस्थापक शैली को दर्शाती है और मूर्तिकार पैनलों के साथ, टेक्निकल आप देखोगे सीढ़ियों के साथ स्तर यहाँ मौजूद है। पानी की पवित्रता को उजागर करने के लिए इसकी संरचना उल्टे मंदिर के डिजाइन में की गई थी। सो विच इज इट? तो चलो, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। द करेक्ट आंसर हियर इज डी। मूविंग टू नंबर 21, ऑथर्स और किसकी कौन सी किताब है? नाट्यशास्त्र भारत मुनि, देन वी हैव अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर एंड संगीता रत्नाकर सरगना देव। तो इनमें से करेक्ट मैच द पेयर्स क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ठीक है, सो नाट्यशास्त्र वी हैव भरत मुनि, देन वी हैव अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर, देन वी हैव संगीत रत्नाकर सरगना देव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एंड करेक्टली मैच्ड? चलो, सो प्रियंका करेक्ट एवरीवन। लास्ट फाइव क्वेश्चंस, लेट्स गेट दिस करेक्ट। चलो, सो एक्चुअली करेक्ट आंसर डी है। सारे ही पेयर्स बिल्कुल सही मैच है। यहाँ पे प्रद्युत बिल्कुल सही है, शारिया, निशु, पुष्पा एब्सोल्युटली, सुरभि करेक्ट, प्रियंका करेक्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, देन वी हैव अलकनंदा, रेनू, अर्पिता, पद्मिनी, जेआरएफ मोटिवेशनल, ओके आयुषी करेक्ट, दिव्यांग करेक्ट, रुहेल करेक्ट, स्नेहा करेक्ट। मूविंग टू नंबर 22, कौन से शिलालेख हैं और कौन से रूलर्स एसोसिएटेड है? इनका सही पेयर क्या है? हनाम कोंडा इंस्क्रिप्शन है रुद्रमा देवी की, मोटुपाली इंस्क्रिप्शन है गणपति देव की, मेहरोली इंस्क्रिप्शन है अशोका की। तो इनमें से कौन से पेयर्स हैं जो गलत मैच्ड है, विच इज रॉन्गली मैच्ड? ठीक है, तो कौन से रॉन्गली मैच्ड है एवरीबडी? जनरली आप मुझे बताओ इनमें कौन से आंसर्स हैं। सो विच इज करेक्टली मैच? करेक्ट आंसर है ए बी सी या डी। इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, विच इज करेक्ट? ऑल आर करेक्टली मैच्ड। चलो देखते हैं किसने सही जवाब दिया है इसका। सो आई थिंक हियर वेरी फ्यू पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। सो द करेक्ट आंसर हियर, पहले तो ये जो हनाम कोंडा इंस्क्रिप्शन है ये रुद्रमा देव की नहीं है, ये टेक्निकली रुद्र देव की है, रुद्रमा देवी की नहीं, रुद्र देव। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये जो मोटुपाली इंस्क्रिप्शन है ये गणपति देव की करेक्ट। मेहरोली इंस्क्रिप्शन किसकी है एवरीबडी? मेहरोली इंस्क्रिप्शन इज, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद मेहरोली? चंद्रगुप्त, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये चंद्रगुप्ता के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ बी है, विच इज टू ओनली। ठीक है, हनाम कोंडा इज रुद्रदेव एंड देन वी हैव मेहरोली विच इज चंद्रगुप्ता, मोटुपाली सही है। इसी में एक और भी याद रख लो, ये जो रुद्रमा देवी है इनका कौन सा इंस्क्रिप्शन है? सो रुद्रमा देवी का इंस्क्रिप्शन विच यू सी, बिदार इंस्क्रिप्शन रुद्रमा देवी का है और हनाम कोंडा इंस्क्रिप्शन रुद्रदेव के है। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, नाम देवी देव है तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नंबर 23, जब हम अंजलि मुद्रा की बात करते हैं बुद्धिज्म में कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? ये मुद्रा स्पेसिफिकली नाट्य शास्त्र में डिस्क्राइब्ड है, ये मुद्रा भारतनाट्यम में यूज होता है। अंजलि मुद्रा में जो थंब के बैक है वो मोस्टली सारे फिंगर्स के साथ अलाइंड होते हैं। तो इस मुद्रा के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल सही है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन है, इसका स्पेसिफिकली भरतनाट्यम में भी इसका स्पेसिफिकली आप देखोगे रेफरेंस है। अंजलि मुद्रा में अंगूठे का पिछला भाग छाती के समान होता है और दूसरी उंगलियों के साथ स्पेसिफिकली संरक्षित होता है। सो विच इज करेक्ट? याद है हमने मुद्रास पे क्लास की थी, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अटेंडेड द क्लासेस। प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, हमने बोधिसत्वास पे भी क्लास की है, सो प्लीज गो थ्रू दैट पार्ट एज वेल ऑल्सो। ठीक है, चलो एक्चुअली यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन, ये ए एंड बी है, ये एक्चुअली गलत है। ये परपेंडिकुलर होता है, इसमें जो इनका मुद्रा है इट इज टेक्निकली परपेंडिकुलर। तो आप अंजलि मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है एवरीबडी? याद है जो हम नमस्ते करते हैं। सो यहाँ पे जो फिंगर्स है वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा जो हम भी बड़ों का प्रणाम करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 24,
जब हम उर्दू भाषा की बात करते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं? पहली रिकॉर्डेड कलेक्शन ऑफ पोएट्री मोस्टली है वालिद खानी। पहली इंपॉर्टेंट लिटरेरी पोज है बेसिकली सबरास बाय वजीन 1635। पहली उर्दू न्यूज़पेपर जमे जहां नुबा लॉन्च हुई थी कोलकाता में 1822 में बाय हरिहर दत्त। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है? ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहली रिकॉर्डेड कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज एट्रिब्यूटेड टू वालिद खानी। पहला सिग्निफिकेंट काम लिटरेरी प्रोज का इज सबरास बाय वजीन 1635। पहली उर्दू न्यूज़पेपर जमे जमानुमा कोलकाता 1822 बाय हरिहर दत्त। इस पे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार नेट सेट में आया है सिर्फ इसी न्यूज़पेपर पे। ठीक है, आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। जब हम एंशियंट इंडिया के कॉइनेज की बात करते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो गलत है? लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स हमें मिले थे सतवाहनास के टाइम पीरियड में। अर्लिएस्ट कॉइन्स पंचमा कॉइन्स थी और ये मोस्टली लेड की बनी गई है। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है, विच इज गलत? ओके, सो एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज रॉन्ग? चलो, सो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज टेक्निकली बी। तो पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स हमें सतवाना पीरियड में मिले थे, ये बिल्कुल सही है। सतवाना कॉइन्स क्या होते थे एवरीबॉडी? सतवाना कॉइन्स मोस्टली आप देखोगे डाइस्ट्रक होते थे, कास्ट कॉइन्स होते थे। ठीक है, मोस्टली आप देखोगे प्राकृत लैंग्वेज ब्रह्मी स्क्रिप्ट में स्पेसिफिकली होती थी ये। और दूसरी क्या एवरीबॉडी एविडेंस है, क्या क्या इसमें पैटर्न होता था? ये मोस्टली आप देखोगे पोटिन का भी बना रहता था, एट द सेम टाइम यू विल सी सिल्वर, जनरली आप देखोगे कॉपर भी। और क्या क्या पैटर्न्स थे स्पेसिफिकली इनके कॉइन्स में? तो मोस्टली आप देखोगे हाथी, एलिफेंट, हाथी के साथ साथ हॉर्स, घोड़ा हो गया, लायन हो गया, चैत्याज हो गए। किसी किसी रूलर में आपको शिप भी मिलेगी जिसमें ऐसे एक मेड दो मेड स्पेसिफिकली थे। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको उज्जैन साइन ये सिंबल भी मिलेगा। एंड ये जो पंचमा कॉइन्स थे ये लेड के नहीं बने थे, पंचमा कॉइन्स वर मेड अप ऑफ यस मोस्टली सिल्वर। ठीक है, तो ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ बिफोर वी एंड एवरीबडी, आज हमारे पास सरप्राइज क्वेश्चन है। सरप्राइज क्वेश्चन में हम तीन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो हिस्ट्री के अलावा आपको पेपर वन में आते हैं। ठीक है, सब जनरल क्वेश्चंस। तो इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यू, पेरिस अग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड रियो समिट। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, विच इज करेक्ट? सो वी विल डू थ्री सरप्राइज क्वेश्चंस जनरली, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू मिला के हिस्ट्री आता है। तो हर सेशन में कुछ अब सरप्राइज क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे कि हिस्ट्री के साथ साथ और भी चीजें हो रही हैं। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन बताएगा? पेरिस अग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। सो हु इज गोइंग टू गिव द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? यस, सो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। कब हुआ था पेरिस अग्रीमेंट? 2015। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 16 सितंबर के टाइम पीरियड में। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल इज 1997। और रियो समिट कब हुआ था? 1992। ठीक है, सो इसका मतलब है बी विल कम सबसे पहले, एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बी विल कम सबसे पहले, फिर बी के बाद हमारा क्या आएगा? यस करेक्ट। सो फर्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर हमारा आएगा रियो समिट। सो बेसिकली बी डी करेक्ट आंसर हियर इज बी। ठीक है, अब एक्सपैंड करिए पीएम कुसुम, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उन्नति महाभियान। देन वी हैव प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उमंग महाभियान। सो पीएम कुसुम का एग्जैक्ट टर्म क्या है, विच इज करेक्ट? ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट। सो इसको स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। ठीक है, तो हर क्लास में ऐसे कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस करेंगे हम, सो दैट यू आर रिवाइजिंग दिस एज वेल। ठीक है, चलो, सो मोस्ट ऑफ यू आर राइट, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्पेसिफिकली चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बेसिकली हम जब पेपर वन में एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो ये जो लैमिनार फ्लो है एयर का, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है, ये लैमिनार फ्लो क्या होता है? ये होता है कि जब सारे एयर के जो मूव पार्टिकल्स है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये बेसिकली है कि भाई सारे पार्टिकल्स सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जो बेसिकली हमारी पवन है उसकी दिशा में कुछ डिफ्लेक्शन चेंजेस आ गए हैं, या इसका मतलब है कि एयर प्रेशर डिक्रीज हुआ है दो आइसोबार्स के बीच में। सो विच इज करेक्ट?
सो दिस इज जनरली क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड नो दिस फॉर द एग्जामिनेशन. जनरली आपको टर्म बेस्ड क्वेश्चंस काफी कॉमन से क्वेश्चंस है ये. सो विच इज करेक्ट? चलो ठीक है, तो आई थिंक एवरीबडी हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा इसका एग्जाम, अच्छा इसका आंसर क्या था? सो विच इज द आंसर एवरीवन हियर? सो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान. ठीक है, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. एंड यहाँ पे लामिनार फ्लो को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर हियर इज बी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन. तो क्या होता है, जब आपका एयर यूनिफॉर्म होता है एंड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ देखो यूनिफॉर्म होता है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो ये इस एक डायरेक्शन के मूवमेंट को सारे पार्टिकल्स का, जब आपका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन यूनिफॉर्म रहता है, इसको हम कहते हैं लामिनार फ्लो. ठीक है, जस्ट फॉर क्विक सरप्राइज क्वेश्चन. अब आ जाता है होमवर्क क्वेश्चन, तो प्लीज इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. इनमें से एक पैर है जो गलत है, वो कौन सी है? आर शर्मा की अर्बन डीके इन इंडिया, जोआन विलियम्स की दी आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया, देन वी हैव एएल बैशम की बांडल दैट वाज इंडिया, या रोमिला थापर की स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर. तो एक ऐसी पेयर है जो गलत मैच है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. कल हम लोग देखेंगे कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. और कल के सेशन में, दिस वाइंड्स अप द सेशन एवरीबॉडी, कल के सेशन में हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं प्री हिस्ट्री और इंडस वैली, तो एक बार उसको रिवाइज करके आइएगा. ठीक है, एंड दिस इज आर ऐप सेशन फॉर फ्राइडे फॉर फेब्रुवरी मंथ, डू नॉट फॉरगेट टू मिस इट. ठीक है, 6 फेब्रुवरी महाजनपद बुद्धिज्म जैनिज्म, 13 फेब्रुवरी इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर सिक्के, 12 फेब्रुवरी मौर्यास इंडो ग्रीक्स कुशांस, एंड 27 फेब्रुवरी पर्सनालिटीज इन नेशनल मूवमेंट. तो प्लीज इसको सेव कर लीजिएगा 11 बजे हर मंडे को ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप. डू नॉट फॉरगेट, प्लस आई विल पुट मोर सेशन जो मैं आपको एक वीक पहले इन्फॉर्म कर दूंगी. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज सेशंस. एंड आई होप कि आपको आज के सेशन में मजा आया हो. सो वी डिड एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस, वी डिड आर रिविजन, एट द सेम टाइम हमने कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस भी कर लिया. होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर प्लीज स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में ही दीजिएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एवरीवन. आई होप यू लव द सेशन. एंड फिर कल मिलेंगे, एंड कल की क्लास में स्पेसिफिकली हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंटली रिविजन ऑफ हमारा प्री हिस्ट्री, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज इंडस वैली. तो हम ऑलरेडी इसको ऐप पे कर चुके हैं, कल यूट्यूब पे भी करेंगे. तो जल्दी जल्दी से रिविजन करने के लिए आ जाइएगा. वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्लासेस कमिंग अप इन द ऐप एंड यूट्यूब, डू नॉट मिस इट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. और होमवर्क क्वेश्चन को जरूर आंसर में लिखिएगा. ठीक है, और फाइनल काउंट डाउन की शुरुआत हो चुकी है, सो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल. एंड अगेन स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं. रिमेंबर यू आर द बेस्ट एंड यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जामिनेशन. ओके, सो ये जज्बा को लेके चलना है, ये पॉजिटिविटी को लेके चलना है.